Good evening, student. Good evening, sir. Now, start from laws of electrostatic attraction and repulsion. Laws of electrostatic attraction and repulsion. ठीक है, तो ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड क्या है? देखो, इलेक्ट्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। और एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हुआ तो ऑब्वियसली इट इज अ चार्ज पार्टिकल, है कि नहीं? चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल कहाँ रहेगा? एटम, और एटम से ही तो सब बना है। मेरे बात समझ में क्या? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब एटम है। See this finger. Charge at rest. Charge at rest. The charge relate charge is like electron at rest. Why? Because electricity is due to electron. समझ में आ गया? अब एक बात, तो इसका लॉ क्या है? इसका मतलब जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उनका लॉ क्या है? किसका? अट्रैक्शन का और रिपल्शन का। समझ में आ गया? तो एक बात याद रखिए कि जब दो अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे या दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल होंगे, ऑब्वियसली तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज, गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज। तो जब दो डिफरेंट टाइप का चार्ज होगा तो याद रखिए, दो डिफरेंट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन, यानी कि खींचते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। समझ में आ गया? एक मिनट, एक हम लेते हैं, मान लो सपोज करो प्लस टू यूनिट ऑफ चार्ज, एक लेते हैं माइनस टू, तो क्या होगा जानते हो? ये जो चार्ज होगा क्यू, ये क्यू इस क्यू को अपनी तरफ इधर खींचेगा और ये चार्ज इसको अपनी तरफ इधर खींचेगा, मतलब दे विल अट्रैक्ट। अच्छा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज। सो देखो क्या है कि ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींच लेंगे और ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींच लेंगे, तो म्यूचुअली क्या होगा? दोनों में अट्रैक्शन। समझ में आ गया? Yes. यानी कि लाइक चार्ज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर जानते हो, अगर हम एक ही टाइप के चार्ज को रख देते तो रिपल्सन पे ऐसा, यानी कि एक दूसरे को रिपेल कर धक्का देते। चल हट, चल हट, समझ में आ गया? यानी कि रिपेल कर, समझ में आ गया? यस, ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? सो याद रखना टफ है क्या? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस रिपेल, नहीं ना? तो वी कैन रिमेम्बर दिस, तो यहाँ हम लोग बस लिख लेंगे। ठीक है, फटाक से ये होगा लाइक चार्जेस आपका हो गया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। और लाइक अनलाइक क्यों जानते हो? दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो लाइक चार्जेस हम लोग सिमिलर चार्ज भी बोलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ गया? लिख लीजिए फिर, देन विल कंटिन्यू विद। ठीक है, देखिए इसका हमारा एक टॉपिक है, उसको पहले समझा देंगे देन आपको दिखा देंगे। ठीक है, वो क्या है? वो हमारा अगला हेडिंग है, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। रिपल्सन इज श्योर टेस्ट फॉर
electrification. बॉडी समझ में आ गया. देखिए अब हमने रिपल्सन ही क्यों चुना. आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो सर चार्ज पार्टिकल के बीच में तो दोनों काम हो सकता है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, तो आप तो अट्रैक्शन की को भी तो चुन सकते थे इलेक्ट्रिफिकेशन के स्योरेस्ट टेस्ट के लिए, पर हम लोग रिपल्सन को ही क्यों चुनते हैं. आपको समझा देते हैं कैसे सपोज करो मेरे हाथ में पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा जस्ट फिनाल मेरे हाथ में क्या पॉजिटिव चार्ज और एक बॉडी हमें दिया गया है. ये हमें बॉडी दिया गया, अब मुझे नहीं पता कि ये चार्ज है कि नहीं. किसी में क्वेश्चन कर ध्यान सुनिएगा. मेरे हाथ में पॉजिटिव चार्ज है, हमें एक बॉडी दिया गया, ठीक है. अब मुझे नहीं पता कि ये बॉडी चार्ज बॉडी है कि नहीं, समझ में. अब हम क्या देखो, हमको जानना है कि क्या चार्ज है कि नहीं. तो हम अगर इस चार्ज बॉडी को इसके सामने लाए, अब चार्ज वो चार्ज को ऐसे तो उठा के नहीं ला सकते, इलेक्ट्रॉन उठाए दिखता ही क्या उठाएंगे. मेरे कहने का मतलब बॉडी, कोई बॉडी तो चार्ज हो सकता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज रह सकता है. उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके सामने लाते हैं, समझ में आ गया. अब जब इसके सामने ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं पता है, वो चार्ज बॉडी इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, समझ में. ये जो चार्ज है ये चार्ज इसको खींच ले रहा है. तो मुझे बता सकते हो ये चार्ज बॉडी है कि अनचार्ज बॉडी. चार्ज बॉडी सर, अनचार्ज चार्ज बॉडी. चार्ज यानी आप में से कुछ बोल रहे हो चार्ज बॉडी है, कुछ बोल रहे हो अनचार्ज बॉडी है, ठीक है. आप में से कुछ लोग बोल रहे हो ये चार्ज बॉडी है, कुछ लोग बोल रहे हो अनचार्ज बॉडी है. तो अब मेरी बात सुनो, आपके दोनों 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 के आंसर मैं फॉल्स करता हूँ. आपने पहले बोला चार्ज बॉडी है, ठीक है. चलो अगर ये चार्ज बॉडी है, क्लियर, तो अट्रैक्ट ही क्यों करेगा, रिपेल तो कर सकता है. ये नहीं कहा ना रिपेल करेगा, हमने बोला खींच लेगा, हमने बोला खींच लेगा. तो अगर ये चार्ज बॉडी है, समझ में आ गया, तो ये तो रिपेल भी, मतलब ये रिपेल भी तो हो सकता है ना. नहीं समझे, लाइट चार्ज अगर लाइट चार्ज आ गया तो रिपेल भी तो हो सकता है. हमने तो ये नहीं कहा रिपेल कर, हमने बोला अट्रैक्ट. तो यहाँ पर हम ये नहीं श्योर हो पा रहे कि अगर अगर बता दो अगर ये चार्ज है तो चार्ज बॉडी क्या हो सकता है. इसको तो चार्ज, ये जो है ये चार्ज इसको तो खींच लेगा, अगर ये चार्ज रहेगा तो भी, अनचार्ज रहेगा तो भी इसको खींच लेगा. पर जानते हो कि अनचार्ज बॉडी को खींचता है ये टेस्ट चार्ज, अनचार्ज बॉडी को क्यों खींच लेगा जानते हो. देखो हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एटम से बना होता है, और हम ये भी जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है. ये भी जानते हैं एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है. अब ये भी जानते हैं क्यों होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है. अब मेरी बात, जब ये न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी मान लो कोई पेपर फिर भी नहीं थी, न्यूट्रल बॉडी इस चार्ज बॉडी के सामने आया, तो जानते हैं ये चार्ज बॉडी क्या करेगा. इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है इसके एटम्स में, तो ये क्या करेगा मान लो एटम के सरफेस के फ्रंट पे, एकदम इसके फ्रंट सरफेस पे सारे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, क्लियर. और पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे इसको धक्का दे देगा, रिपेल कर, क्लियर, दूसरे एंड पर ला देगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है. माने फ्रंट पर ऊपर वाली जैसे ये पेपर है ना, ये मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का इसके फ्रंट पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, समझ में आ गया, दूर से. और यहाँ पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे देगा, क्लियर. तो ये क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक एक सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो गया, आ गया कौन सा, नेगेटिव अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट. अब ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बताता है, तो अपोजिट चार्ज हुआ तो अट्रैक्ट. अब ये देखो अपोजिट चार्ज है कि नहीं, बीएस में अट्रैक्शन हो गया, समझ में आया. नेगेटिव ऊपर दिया और पॉजिटिव नीचे, तो हां उस केस में भी उसको मैं समझा रहा हूं. सपोज करो आपका ये दूसरा बॉडी है फिर से ले लेता है या नेगेटिव, ठीक है. अब हमको पता है कि कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस जो होता है, कोई भी सब्सटेंस एटम से बना होता है, एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन,
अब ये क्या करेगा नेगेटिव, भाई तू तो जितना इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन संख्या नंबर आपका बराबर है, चल एक काम कर चल फ्रंट में आ जाओ प्रोटॉन, बिकॉज आई लाइक प्रोटॉन आई लाइक पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को खींच करके इसका फ्रंट के सरफेस पर ला देगा और नेगेटिव चार्ज को धक्का देकर बैक साइड कर देगा। समझ में आ गया? अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव डेवलप हो गया ऑटोमेटिक, पॉजिटिव डेवलप हो गया इसको खींच लेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे ये चार्ज हो पर ये अनचार्ज बॉडी हो, अनचार्ज बॉडी तो हमेशा ही खींचेगा, चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को हमेशा ही खींचेगा, क्यों खींचेगा, दिस इज द रीजन, पर जानते हो। लेकिन अगर चार्ज बॉडी हमको अट्रैक्शन तो पता नहीं चला, ये चार्ज बॉडी तो चार्ज बॉडी को खींच सकता है, अनचार्ज बॉडी को खींच सकता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज है कि अनचार्ज है। बात को थोड़ा मैंने डीपली समझो, ये चार्ज बॉडी को भी तो खींच सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया खींच लेगा, इसके सामने नेगेटिव चार्ज आ गया खींच लेगा, अनचार्ज बॉडी आ गया तो भी तो खींच लेगा, तो दोनों केस में खींच रहा है, तुम कैसे समझेंगे कि यार चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी है, नहीं समझे। पर एक बात अगर रिपेल कर गया तो आपको तो कंफर्म रहना होगा अरे लाइव चार्ज ही रिपेल कर सकता है, कभी भी लाइव चार्ज न्यूट्रल को रिपेल नहीं कर सकता, किसी न्यूट्रल बॉडी को, चार्ज चार्ज को ही रिपेल करेगा। तो अगर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आ गया तो ये चार्ज इस चार्ज को ही रिपेल करेगा। समझ में आ गया, क्लियर? तो अगर रिपेल हो गया तो ये दिमाग में बिठा लेना कि यस यही तो चार्ज बॉडी है, क्योंकि चार्ज बॉडी को ही रिपेल कर सकता है, और चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करेगा और चार्ज बॉडी को कर भी सकता है, ठीक है? बात समझे क्या, हमने क्या बोला, कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया? So, इसलिए ऐसा होता है, इसीलिए इस बात को बोलते हैं, दैट इज व्हाई वी से दिस, ठीक है? सर मैंने लिखवा दिया है, ये हेडिंग में ही है बात। हाँ हाँ जब न्यूट्रल बॉडी रहेगा तब कौन का
This is the statement of repulsion is the theoretical test of electrification. Now complete it fast. I will not wait a more. Fast and delicate. Two body can be charged if two body rubbed against each other. जानते हैं ना, दो बॉडी को हम लोग तभी चार्ज कर सकते हैं, मतलब चार्ज ये नहीं कि हमेशा रब करना पड़ता है, मतलब चार्ज तो दो टाइप का होता है, एक तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज विच फ्लोस थ्रू द वायर, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द चार्जेस इन मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है, चार्जेस एट रेस्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो लेकिन ये जो रेस्ट पर जो चार्ज होता है ये तभी क्रिएट होता है जब हम वो बॉडी को रब करते हैं, समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ कि हम अभी थोड़ी देर पहले देखेंगे कि जब हेयर कॉम करेंगे तो पेपर इसको अट्रैक्ट करता है, ये सब क्यों हो जाता है, सीधी सी बात है, देखो अगर हम एक बॉडी ले लेते हैं ठीक है, और ये मान लो कोई दूसरा बॉडी है, क्लियर, तो जब हम दो बॉडी को ऐसे रब करते हैं तो उसका बॉडी एटम से बना है तो ऑब्वियसली सरफेस पर भी एटम, तो जानते हो क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं कभी कभी दूसरे बॉडी में, इलेक्ट्रॉन क्या का डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो क्या होता है अगर जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला गया निकल गया तो वो तो हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, समझ में आ गया, और यही इलेक्ट्रॉन का किसी बॉडी पर एंटर कर गया तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, बात समझ में आ रहा है, तो यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ दूसरा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, अब हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज भी लेटर खींचने लगता है, बात समझ में आ रहा है क्या बोला, तो इसीलिए दो बॉडी जो होता है ना चार्ज हो जाता है बाय फ्रिक्शन एंड टू बॉडी स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पार्टिकल का है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन का कोई मतलब नहीं, प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस में जाकर के आराम कर रहा है, ठीक है, ओके, सो अब देखिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेन रीजन फॉर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल क्यों बोला क्योंकि उसको फ्रिक्शन से प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, तो एक लाइन है, ठीक है, फॉर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी विच चार्ज पार्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन is mainly responsible for frictional electricity. समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन नो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन बोलिए, इलेक्ट्रॉन लिख दिया, इलेक्ट्रॉन ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है, कौन सा ये वही तो बोले इलेक्ट्रॉन लिख दिया, आप तो उनसे कर लो, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही तो लिखेंगे, ठीक है, इसी तो के बात समझ में आ गया, अच्छा एक बात और बोल रहा हूँ, क्लियर, समझ में आ गया मैंने क्या बोला, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और हमने आप लोग को आपको बताया था एटॉमिक मॉडल बताया ही थे, स्टार्ट किए थे, तो एटम का मॉडल क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर में रिवॉल्व करेंगे, दैट इज अ होल एटम ऑन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हम जानते हैं, हमने इस मॉडल को बताया था आप लोगों को, तब तो कोई बात नहीं, अच्छा सुनो, अब चार्जेस जो स्टे करते जानते हो वो इंसुलेटर पर ही करेगा, कंडक्टर पर नहीं करेगा, इंसुलेटर, तो जनरली देखोगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी
यानी कि चार्ज रेस्ट मतलब जो स्टैटिक चार्ज होता है कहाँ डेवलप होता है ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटर, समझ में आ रहा है? ये पेन ऐसे रब कर रहा हूँ आखिर है क्या इंसुलेटर, क्लियर? समझ में आ रहा है इट इज इंसुलेटर, यहाँ चार्ज डेवलप कर जाएंगे। तो जनरली इंसुलेटर पर ही स्टैटिक अलग चार्ज डेवलप करता है, पर अगर कभी पूछा जाएगा क्या कंडक्टर पर करता है तो आप लोग का एक ही आंसर होगा कंडक्टर के सरफेस पर नहीं करता, क्योंकि क्योंकि कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर जाता है, कंडक्टर के सरफेस से चार्ज फ्लो कर जाता है, ठीक है? और जानते हो ह्यूमन बॉडी जो है, याद रखिएगा हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है ना बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, सुबह नहीं समझ लो बात, ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी का, तभी ना हम लोग का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है अगर हम लोग का बॉडी बैड कंडक्टर होता, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, अरे शॉर्टकट पड़ जाता है इधर से, समझ में आ रहा है? ओके कैसे सर हम लोग का बॉडी, बिल्कुल सही बात है, हम बता रहे आपको कंडक्टर कैसे होता है, ठीक है? अगर प्रैक्टिकल करना है एक काम कर सकते हो, पर वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम बता रहे पैर चप्पल वगैरह नहीं पहनना है, नीचे खड़े रहो, स्विच ऑन करो, हाथ दे दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी बॉडी पर, या एक बल्ब रख दो, स्टार्ट ग्लोइंग, एंड आप उससे भी अच्छा बल्ब देते हुए सुंदर ढंग से, हाँ यस प्रैक्टिकल है सर, जितना देर में पाइप आ गया तक उसको पकड़ के सर एक बार चेक, अरे देखो सबसे बड़ा प्रूफ यही है, सुनो सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि ह्यूमन बॉडी कंडक्टर की आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, क्यों? देखो इलेक्ट्रिक शॉक तभी फील होता है जब बॉडी में चार्ज फ्लो करता है, उसको अर्थिंग मिलता है, तभी अगर बॉडी में चार्ज आ रहा है आपका पर वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, फ्लो नहीं कर पा रहा है, कहीं रुका है, तो आपको इसका इफेक्ट क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, सेंस बॉडी से फ्लो कर जाता है अर्थ में, तो ये इसी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है, सबसे बड़ा प्रूफ यही है, ह्यूमन बॉडी का कंडक्टर, ठीक है? तो ह्यूमन बॉडी एक अच्छा कंडक्टर, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लाइक कॉपर आयरन गोल्ड ये सब होता है, बहुत अच्छा सिल्वर ये सब होता है, अच्छा एक कंडक्टर होता है ह्यूमन बॉडी, समझ में आ रहा है? तो इज इट ओके, इज इट क्लियर? तभी तो देखते हो ना आप ऐसे रब कर लो, प्लास्टिक को रब कर लोगे, रब करने के बाद पेपर के पीस के पास लेके आओगे तो अट्रैक्ट करता है, पर एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो, आपने खूब रब किया, अब आप उसको हैंड से छू दो पेपर के पीस के पास लोग नहीं अट्रैक्ट करते, बिकॉज वो सारा चार्ज वैनिश हो गया, वो सारा चार्ज वैनिश होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, उसको छू दो तो क्या होगा, चार्ज वैनिश नहीं अट्रैक्ट करेगा, क्लियर? बिकॉज आप जब चार्ज छूते हो तो हमारा तो बॉडी कंडक्टर है, चार्ज फ्लो कर, एक बार टच करो ऐसे करके हाथ हैंड से टच करो पर नहीं करेगा, ठीक है? अब एक बार नहीं टच करो और करो करेगा, तो कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है पता है, बॉडी चार्ज जो होता है वो बॉडी से फ्लो कर जाता है, चार्ज बॉडी से फ्लो कर जाता है, ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द गुड टाइप। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।